हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये सेंसिवेरिया प्लांट, जिसे हम स्नेक प्लांट के नाम से भी जानते हैं, इसे डिवाइड करना सिखाएंगे। तो इसे डिवाइड करना बहुत ही इजी है। ये प्लांट के देखिए, छोटे छोटे पप से अपने ग्रो करता रहता है, न्यू प्लांट्स बनते रहते हैं जिससे, और इस प्लांट को ग्रो करना भी बहुत ईजी है। ये वैसे तो इनडोर प्लांट है, पर आप इसे आउटडोर भी रख सकते हैं शेडी एरिया में, और ये बेस्ट ऑक्सीजन प्लांट भी है। आजकल तो सभी अपने घरों में भी लगा रहे हैं ये वाले प्लांट को। तो ये देखिए, हमने पुरानी बकेट में ग्रो किया था ये प्लांट, और अब ये देखिए बकेट अच्छी तरह सभी प्लांट से भर चुकी है। ये अपने अपने टाइम से पफ देता रहता है, जिसके कारण बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। तो हम अब इसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमें कोई भी एक प्लांट सेलेक्ट कर लेना है जिसे हम डिवाइड करेंगे। वैसे तो ये प्लांट लीव से भी ग्रो हो जाता है, पर लीव से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसे ग्रो करने में। तो आप सिंपली आप इसे पफ से ही, न्यू बेबी प्लांट से ही आप इसके न्यू ग्रो कीजिए। तो सबसे पहले हम एक चाकू ले लेंगे, उसे हम इसे दो प्लांट्स के बीच में से इनकी रूट्स को कट कर देंगे, क्योंकि ये सेंसिवेरिया के सभी प्लांट्स नीचे से अटैच होते हैं। तो इसे सबसे पहले हमें नीचे वाली इसकी मेन स्टेम रूट को कट करना पड़ेगा। तो आप चाकू से इसे, थोड़ा रूट बाउंड है ये प्लांट इसलिए थोड़ा देर लग रही है, तो इसे आप अच्छी तरह से कट कर लीजिए। इसे थोड़ा आराम से कट कीजिए, आप इसकी मेन ब्रांच से थोड़ा सा दूर रख के चाकू को फिर कट कीजिए। इसकी मेन ब्रांच पे कुछ भी डैमेज नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत हो जाए तो भी कोई डरने की बात नहीं है, ये प्लांट चल जाएगा। ये देख लिया, अब हमने कट कर लिया। अब हमें इसे इसी खुरपी की हेल्प से इसे बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए, हम इसकी साइड्स को छुड़वा रहे हैं, रूट्स जो अच्छी तरह पकड़ लिया इन्होंने। बस इसने अब अपनी साइड्स को छोड़ दिया है, तो हम इसे खींच के बाहर निकाल लेंगे इस सेंसिवेरिया प्लांट को। इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, नीचे तक डेवलप हो चुकी हैं, इसलिए ये प्लांट थोड़ा सा मुश्किल से निकल रहा है, पर हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे अच्छे हाथ से आराम से खींचकर बाहर निकालेंगे। इसकी रूट्स नीचे से अलग हो चुकी हैं, तो ये देखिए, ये देखिए हमने ये इसकी रूट्स को बाहर निकाल लिया है, और ये देखिए इसके ये छोटे छोटे स्मॉल पप्स भी हैं। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरे प्लांट्स को भी डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, ये सॉइल के अंदर ये देखिए किस तरह से अपने पप्स को निकाल लेते हैं, और ये सभी प्लांट इस तरह से नीचे मेन ब्रांच से अटैच होते हैं। इसी ब्रांच को हम कट करके न्यू प्लांट्स हम बना सकते हैं। ये देखिए, इसी प्लांट्स को अगर हम बीच में से कट करके उसको अलग लगा देंगे तो भी वो प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो हम ये नेक्स्ट हमारे प्लांट्स को, इसको भी नीचे से मेन स्टेम से कट कर देंगे। ये देखिए, इसे भी हमने खींच के बाहर निकाली, और इसमें देखिए 3 से 4 बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं इस प्लांट में से। ये देखिए, और इसे भी हम चाहें तो कट करके अलग से न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सेंसिवेरिया प्लांट एक हार्डी प्लांट है, अगर इसकी आपसे रूट्स टूट भी जाएं तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। तो हम सिंपली इन दोनों प्लांट्स को किसी और पॉट में लगा सकते हैं, और ये वहाँ से अपने न्यू शूट्स निकालने लग जाएगा, और वहीं से नए न्यू प्लांट्स और भी ग्रो हो जाएंगे।
हम इसकी रूट्स को नहीं छेड़ेंगे, इसको इसी तरह से लगा देंगे। तो ये देखिए हमने ये अपने न्यू पॉट में शिफ्ट कर दिया ये प्लांट। आपने इसे सॉफ्ट सॉइल मीडियम में ग्रो करना है और वर्मी कंपोस्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसे आप जब न्यू प्लांट को लगाएं तो आप इसे शेडी एरिया में ही रखें। तो ये देखिए हमने इसमें इसको शेडी एरिया में रख दिया और अब इसमें पानी दे देंगे। पानी इसमें आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, इसकी मिट्टी को सिर्फ आपने गीला रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो इसमें फंगस ग्रो कर जाएगी और आपका प्लांट फिर ख़राब हो जाएगा। ये देखिए सेम प्लांट हमने 15-20 दिन पहले ही लगाया था, तो ये देखिए अब इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट होने लग गई है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।